आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लघु उद्योग भारती के बैनर तले नुनिहाई के मधुश्री होटल में उद्यमी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय विधि एवं राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। कार्यक्रम में शहर भर से उद्यमी शामिल हुए। लघु उद्योग भारती हर वर्ष अपने उन श्रमजीवियों का जो कि अपने प्रतिष्ठान में अपनी सेवाओं से मालिकों का ध्यान आकर्षित करते हैं और संस्थान की प्रगति में योगदान देते हैं, उनको सम्मानित करती है किसी न किसी विभूति द्वारा। और इस वर्ष भी हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्रीमान एसपी सिंह बघेल साहब मौजूद हैं और उनके करकमलों द्वारा ऐसे श्रमिकों का सम्मान किया जाएगा। हमारे बीच भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री विधि एवं न्याय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं और उनके हाथों द्वारा ही उन श्रमजीवियों का सम्मान किया गया है। निश्चित ही लघु उद्योगों के विकास के लिए, उत्थान के लिए लघु उद्योग भारती लगातार राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करती है और आज का ये आयोजन निश्चित ही बड़ा सार्थक सिद्ध हो रहा है। इसमें कि उद्यमी संवाद पर एक बड़ी चर्चा हुई है, कर्मचारियों के विकास को लेकर, कर्मचारियों के उत्थान को लेकर तमाम योजनाएँ भी श्रम विभाग द्वारा यहाँ पर बताई गई हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी उद्यमियों का धन्यवाद करता हूं। तो ये एक अच्छा संवाद हुआ है और सब उद्योगपति को एक पंपलेट भी श्रम विभाग का आज दिया गया है, जिसमें श्रम विभाग की समस्त योजनाएं, बच्ची के जन्म से लेकर मृत्यु तक, विवाह तक और मकान, आवास, शिक्षा की सारी व्यवस्था मोदी जी ने की है। तो मैं प्रधानमंत्री का व्यापार वेडिंग एसोसिएशन, हाँ जी जी, वेडिंग एसोसिएशन का मैंने पढ़ा तो नवंबर से अब दशहरे के बाद शादियां शुरू होंगी। उनका कहना है कि बड़े लोग तो 5 स्टार के इंडोर में कर लेते हैं, बाकी मैरिज होम में करते हैं। तो मैरिज होम को ADA वगैरह, उनके नक्शे वक्शे, पार्किंग, फायर का क्या इंतजाम है आदि आदि, जाम ना लगे, नक्शा, ये सब, पार्किंग खासतौर से, ये सब बातें कर रहे हैं। तो विकास प्राधिकरण से बात की जाएगी कि जिससे कुछ उनको सहूलियत मिले, जिससे हम अपने सामाजिक समारोहों को कर सकें। इसी प्रकार हमारे यहाँ आपने अगर विशेष देखा हो आज, जैसे श्रमजीवी सम्मान, यानी कि हम अपने यहाँ जो श्रमिक काम करते हैं उसको ही परिवार का अंग समझते हैं, बल्कि उन्हें हम अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य सहयोगी समझते हैं और उनके लंबी का दीर्घकालीन उनकी सेवाओं के लिए हम लोग आज उन्हें स्वयं सम्मानित करते हैं और अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं, जिससे कि उनके मन में भी हमेशा परिवार भाव रहे और हम भी अपने परिवार भाव को माने। यह हमारी लघु उद्योग भारती की सोच औरों से भिन्न है और एक समाज को संदेश है कि आप श्रमिकों को अपने ही परिवार का हिस्सा समझें, वह आपके जीवन के लिए, आपके उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण। ADA ने कुछ मुहिम चलाई है वेडिंग हॉल्स के खिलाफ, उसके लिए हमने माननीय मंत्री जी के जहन में डाली है बात और हमने कहा है कि कोविड से त्रस्त है ये इंडस्ट्री, 2 साल हो गए, किस तरीके से हम अपने हमारे एम्प्लॉयज़ का हम कैसे सस्टेन कर रहे हैं, कैसे उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उस दिन के लिए कर रहे हैं कि दोबारा दिन अच्छे आएंगे और दोबारा इंडस्ट्री चलेगी, सबका रोज़गार चलेगा। लेकिन अगर इस तरीके की दोबारा मुहिम चलाई गई फार्म हाउसेस के खिलाफ, जहाँ पर निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों की शादियां होती हैं प्राइमरीली, तो वहां पर हम आगे हम लोगों के लिए एम्प्लॉयज़ को सस्टेन करना मुश्किल होगा और बाकी आम जनता को तकलीफ होगी।